फ्रेंड्स मैं क्रिएटिव रेनू संजय पांडे एक बार फिर से आप लोगों के लिए एक बहुत ही बढ़िया सा वीडियो लेके आई हूँ आई एम sure श्योर आप लोगों को पसंद जरूर आएगा पसंद आए तो प्लीज एक लाइक करिएगा कमेंट करिएगा चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा हाँ जी दोस्तों जैसा कि हम हमेशा वेस्ट मटेरियल से ही तैयार करते हैं आज भी वेस्ट मटेरियल से ही हमारा ये क्राफ्ट तैयार है और बहुत ही ब्यूटीफुल है और ये तो वास्तु अनुसार भी बहुत ही अच्छा होता है आप इसे बनाइए और घर में रखिए देखिएगा खुशियाँ जरूर आएंगी और चलिए फिर हमारे साथ हमारे क्राफ्ट को तैयार करने में तैयारी कीजिए और पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा चलिए फिर हम शुरू करते हैं चलिए फिर शुरू करते हैं जैसा कि हम कबाड़ से ही तैयार करते हैं तो मैंने ये ढेर सारे कपड़े के डिब्बे इकट्ठा कर रखे हैं और आज मैं इन्हीं को यूज़ करके बनाऊँगी और चलिए फिर हम इससे शुरू करते हैं इसके लिए मैंने इस तरह से ऊपर नीचे के तीनों पार्ट्स ड्रॉ कर लिए हैं ये मैंने ऊपर का बनाया है ये सेंटर का बीच का और ये नीचे का पोर्शन बना लिया है इसी तरह से आप भी ड्रा कर लीजिए और ड्रा करने के बाद हम इसे कट करेंगे और इसे इस तरह से मैंने इसकी पगड़ी भी बना ली है पगड़ी भी बना के मैंने सिक्स पीसेज इसके भी कट कर लिए हैं क्योंकि तीन 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 पीस बनेंगे तो तीन के मतलब बैक साइड और फ्रंट साइड तीन दो दो पीस कट होंगे वो पूरे सिक्स पीस होंगे और इस तरह से मैंने ऊपर नीचे के भी इस तरह से सभी पीसेस को ऊपर नीचे के भी सिक्स पीसेस काट लिए हैं और इसी तरह से आप भी सिक्स पीसेस ही काटिएगा क्योंकि आगे पीछे बैक साइड दोनों पेस्ट होंगे क्योंकि अगर हम आगे साइड ही केवल पेस्ट करेंगे तो पीछे पीछे साइड हमारा खाली भी रहेगा और थोड़ा सा वो अजीब सा भी लगेगा क्योंकि वो उतना उभार सा नहीं आएगा इसलिए हम इस तरह से सभी को कट कर लेंगे सभी दो दो को और इस तरह से अब चलते हैं हम न्यूज़पेपर से बनाते हैं उसके बेस को इस तरह से हम बीच से कट कर लेंगे फिर इसके इस पार्ट को भी हम इस तरह से हाफ करके कट कर लेंगे और उसके बाद ये हमारा दो दो का पेयर हो जाएगा और इन दो दो के पेयर को हम इस तरह से आप आसानी से फोल्ड कर लेंगे और जब ये देखिए इस तरह से हमें फ़ोल्ड करना है आप इसमें पेन भी डालकर या कोई पिचकस या कुछ भी डालकर इस तरह से हम फोल्ड कर सकते हैं तो बहुत ही ईजिली फोल्ड हो जाएगा और ये किनारे के जो पतले पतले से थोड़े थोड़े से निकले रहते हैं ना इसे आप कट कर दीजिएगा तो ये हमारा बहुत ही अच्छा सा ये देखिए हमारा रोल तैयार हो गया है इस्टिक और ये हमारी स्टिक तैयार हो गई है तीन के तीनों की मैंने इस तरह से कट कर दिए हैं सभी के किनारों में जो हल्का सा बेस रहता है उसे आप कट कर देंगे और ये न्यूज़पेपर क्योंकि हमने दो की लेयर ली थी तो हमारी दोनों की लेयर पेस्ट नहीं हुएगी इसलिए हमने इस तरह से फेविकॉल लगाकर पेस्ट कर दिया अब इस तरह से हमारा जो हमने बॉडी का पार्ट्स तैयार किया था ना उसे हम इस तरह से पेस्ट करेंगे हमने ये आप फ्रंट साइड का पेस्ट कर लिया है इसी तरह से हम तीनों को फ्रंट साइड से पेस्ट कर लेंगे हमारे जब तीनों पेस्ट हो जाएंगे ना इस तरह से ये देखिए हमारे ये तीनों बहुत ही ईजिली पेस्ट हो जाएंगे और ये थोड़ा सा इक्वल डिस्टेंस रखिएगा नेक के लिए थोड़ी दूरी रहेगी हमारे और ये इस तरह से थोड़ा सा नीचे वाला पोर्शन में थोड़ा ज़्यादा गैप रहेगा तो हमारा ये देखने में भी सुंदर लगेगा और ये जो है हमारा आ, हमारा बेस बहुत ही बढ़िया से तैयार हो जाएगा अब ये हमारा देखिए तैयार हो गया है रेडी हो गया है हमने तीनों को रेडी कर लिया है अब इस तरह से हमारा तीनों रेडी हो गए हैं हमने तीसरे को भी इसी तरह से पेस्ट कर देना है हम तीनों एक साथ तैयार करेंगे ताकि हमारे तीनों एक साथ रेडी हो और इसके लिए मैंने अब इनके हाथों को रेडी करने के लिए इस तरह से न्यूज़पेपर को फोल्ड कर लिया है बहुत ही बारीक मैंने फ़ोल्ड किया है और आप इस तरह से किसी भी वो जो ब्रश पतले वाले ब्रश आते हैं ना उसे आप डालकर फोल्ड कर सकते हो तो बहुत इजीली फोल्ड हो जाएगा ये भी मैंने सिक्स ही रेडी किए हैं और ये इस तरह से जो कार्डबोर्ड होते हैं ना उनके इस तरह से आप निकाल लोगे ना तो ये लाइन लाइन से वाले कार्डबोर्ड आपको मिल जाएंगे बहुत इजीली कभी कभी तो जो ऑनलाइन सामान आता है उसमें भी कभी कभी मिल जाता है मैंने इसमें किनारे किनारे से स्टेपलर से मैंने हाथों को पेस्ट किया है आप इसमें फेविकॉल से भी पेस्ट कर सकते हो देखिए इस तरह से कुछ हो जाएगा मेरे पास ये कार्ड का एक डब्बा रखा हुआ था थोड़ा वो हार्ड था तो इसलिए मैंने उसे इस नीचे का बेस देने के लिए थ्री पीस कट कर लिया है और इसे मैं ये जो नाइफ होती है उससे मैंने कट कर दिया है ये देखिए तीनों पीसेस हमारी तैयार हो गई हैं इन्हें मैं अलग रख दूँगी अब चलते हैं हम इसकी ढोलक तैयार करते हैं इस तरह से हम इसे फोल्ड कर लेंगे फोल्ड करने के बाद इसे पेस्ट करेंगे आप ग्लूकन से भी पेस्ट कर सकते हो थोड़ा ये मुझे बड़ी साइज लग रही थी इसलिए मैंने इसका कुछ पार्ट निकाल दिया है अब हम देखते हैं इस तरह से हमारी ढोलक तैयार होगी ये ढोलक हमारी तैयार हो गई है पेस्ट कर दिया है दोनों किनारों पर होल ना हो इसके लिए हमने इसे तरह से काट कागज़ का यूज़ किया है इस कागज़ को हमने सर्कल में कट कर लिया है और इसी सर्कल में कट करने के बाद इसे दोनों किनारों पर हम पेस्ट कर देंगे पेस्ट करने के बाद दो मिनट सूखने को देंगे ताकि ये अच्छे से सूख जाए और उसके बाद हम तब तक दूसरा तैयार करते हैं दूसरा हमारा रहेगा वो जो होता ना, मा, मा, है न क्या कहते हैं उसको सितार या गिटार क्या कहते हैं कुछ आप बताइएगा गेस नाम इसका क्या होता है तो उसे मैंने इस तरह से गोल गोल काट लिया है उसमें न्यूज़पेपर लगा लिया है अब हम अपने ढोलक को इनके पैरों पर पेस्ट करेंगे क्योंकि मैं इसे पूरा खड़ा करके नहीं पेस्ट कर रही हूँ क्योंकि फेविकॉल से मुझे पेस्ट करना था तो वो खिसक कर नीचे आ जाता सूखने तक का हमें वेट करना है इस तरह से हाथों को हम पेस्ट कर देंगे हाथों को पेस्ट करने के लिए मैंने फेविकॉल तो लगाया था लेकिन मैंने टेप लगा दिया था ताकि सूखने तक हम इंतज़ार कर सकें और ये देखिए इसी तरह से हमने बांसुरी भी इसकी लगा दी है हमारे तीनों बहुत ही बढ़िया से ये देखिए मैंने बेस भी इसके पेस्ट कर दिए हैं थोड़ा बहुत टाइम ज़्यादा हो रहा था इसलिए मैंने आपको सब इस तरह से पेस्ट करके डायरेक्ट दिखा दिया है अब आती है कलरिंग की बारी कलरिंग के मैंने कलरिंग के लिए इसके ऊपर के कपड़ों को मैंने रेड कलर यूज़ किया है तीनों को मैंने रेड कलर से किया है और नीचे के पोर्शन में हम सॉरी नीचे के पोर्शन में हम ऊपर साइड पगड़ी हम ऑरेंज से करेंगे जिस कलर की हमारी पगड़ी रहेगी उसी कलर के हमने इसकी धोती को आ, न, कलर किया है ताकि हमारा ये मैचिंग मैचिंग बेस रहे पूरा मैचिंग तो अच्छी लगती है वही सभी को अच्छी लगती है और ये हमारा आ, बहुत ही ताकि अट्रैक्टिव दिखे और ये देखिए हमने इनको ऑरेंज कलर से कर दिया है ये हमारे रेडी हो गए हैं अब चलते हैं हम अपने सेकंड वाले की तरफ सेकंड वाले को हम ब्लू कलर से कलर करेंगे इसकी पगड़ी हमने ब्लू कलर से करी है और इसके धोती को भी हम ब्लू कलर से ही करेंगे अब आती है हमारे बांसुरी वाले की बारी बांसुरी वाले को हमने ग्रीन कलर यूज़ किया है आप जैसा कि देख ही रहे हैं अब चलते हैं हम इनकी जितने इन्होंने बजाने के वो लिए हैं सबको हम इस तरह से ब्राउन कलर से यूज़ करके ब्राउन कलर से बनाएंगे हमने बांसुरी को ब्राउन कलर कलर किया है ढोलक कलर कर दिया है अब इसकी बारी आती है इसे भी हमने ब्राउन कलर से कलर कर दिया है और ये देखिए ये आप इसे क्या कहते हैं आप बताइएगा ज़रूर मुझे नाम नहीं याद आ रहा है और इसके बीच में मैंने इस तरह से ब्लैक कलर कर दिया है ये हमारा ये तैयार हो गया है इन लोगों के जितने बजाने वाले वो हैं सबको तैयार कर दिया है अब हम चलते हैं इनके फेस और बॉडी की तरफ उसे भी हम ब्लैक कलर से करेंगे ताकि ये दूर से ही पता चले कि नहीं तो ये सब इसी में मैचिंग मैचिंग से हो जाएंगे अगर कलरफुल करेंगे तो दिखेंगे नहीं ये तो इस तरह से हमने ब्लैक कलर से हैंड और फेस और पैरों को कर दिया है हाँ अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि हमारा चैनल आप देखते रहें और हमेशा आप हमसे जुड़े रहें ये देखिए हमने इसके ये जो नीचे का बेस था ना इसमें हमने थोड़ा सा बॉर्डर सा कर दिया है तो इससे ये बहुत ही बढ़िया लुक आ रहा है इसकी धोती में भी हमने हल्के हल्के शेड कर दी है हल्के शेड करने से ये बहुत ही अच्छा लुक दिखा रहा है हल्का सा जो चौड़ी जगह थी वहाँ पर मैंने मोटे ब्रश का यूज़ किया है और जो बारीक जगह थी वहाँ पर मैंने पतले ब्रश का यूज़ किया है नहीं तो हमारी जो और से कलर से थे उसमें फैल जाता है इसलिए मैंने इस तरह का यूज़ किया है अब इसके हम ऊपर के बॉडी में हल्का हल्का पेंट कर देंगे प्रिंट कर देंगे छोटे छोटे प्रिंट बना देंगे इससे ये और अट्रैक्टिव दिखेगा और ये हमने इस तरह से वाइट कलर के हल्के हल्के शेड दे दिए हैं जिससे ये थोड़ा और भी उभर कर आ रहा है और बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है आप लोगों को कैसा लग रहा है आप लोग बताइएगा जरूर देखिए हमारे तीनों लगभग लगभग तैयार हो गए हैं अभी कहीं जाइएगा मत भाई अभी थोड़ा सा काम और बाकी है आप सोच रहे होंगे कितना टाइम लग रहा है बहुत टाइम नहीं लग रहा है ये केवल ऐसे देखने में लगता है कि बहुत टाइम लग रहा है कैसे टाइम निकल जाता है पता ही नहीं चलता है हमने ये ढोलक लगाने के लिए इस तरह से लेस का यूज़ किया है आप कोई डोरी भी हो उसको भी यूज़ कर सकते हो अब हमारा फाइनली ये तैयार हो गए हैं तीनों आप देखिए और हमें बताइए कि हमारा कैसा लगा है मेहनत हमने की है अब थोड़ी सी मेहनत आप भी कर लीजिए प्लीज़ लाइक करें और कमेंट ज़रूर करें हमारी बाँसुरी में छेद रह गया था इसलिए हमने ब्लैक और वाइट से थोड़ा सा शेड देते हुए इसे भी रेडी कर ही लिया है ये देखिए हमारे ये तीनों बिल्कुल रेडी हैं और ये हमारे शो पीस बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहे हैं अब तक मैंने जितने डेकोर आइटम तैयार किए हैं आप लोगों ने देखे हैं और आप लोगों ने बताया दोस्तों, लगा हमारा कैसा लगा। ये राजस्थानी म्यूजिकल शो पीस आई एम sure श्योर पसंद ज़रूर आया होगा आप अपने किसी भी टेबल पर किसी भी कॉर्नर में और कहीं भी सेंटर पर इसे सजा सकते हैं और ये बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है और सबसे खास बात है इसे बनाने में बिल्कुल भी मेहनत नहीं है ये कार्डबोर्ड से तैयार होता है आप इसमें कोई भी कलर यूज़ कर सकते हो और बहुत ही बढ़िया लगता है और बहुत ही यूनिक है आपको आएम श्योर sure, पसंद ज़रूर आया होगा और पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें और अपनी इस रेणु की इस मेहनत पर कमेंट और लाइक जरूर दें चैनल में पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब जरूर करें बेल आइकन दबाना मत भूलेगा ताकि हमारे सारे वीडियो आप तक लेटेस्ट वाले पहुंचते रहें हाँ जी अगर आपके दोस्तों में रिश्तेदारों में कोई क्राफ्ट से रिलेटेड जो पसंद करता हो आप उसे ज़रूर शेयर करें ताकि हमारा वीडियो आज के तक पहुंच सके और उसको मिल सके जिसे ये पसंद हो फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो में बाय बाय नमस्कार